नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव SSD देहाती खबर। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं खुश सिंह हमारे कैमरामैन चंद्रपाल के साथ आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 24 में NTPC के सामने, जो कि यहां पे किसानों का धरना प्रदर्शन है। और इनका जो कहना है कि हमारी लड़ाई है उसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इनके साथ हम रहेंगे। और इनके साथ जो भी ये देख सकते हैं, तो इनका कहना है कि यहाँ पे माता और बहने हैं, ना कि इनको बाथरूम के लिए कुछ दिया जा रहा है। ये लोग कहाँ जाएंगे, खुले शौच में तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए माता जो हमारे साथ, लोग कहाँ जाएंगे, लोगों को सुरक्षा दिया जाए। यहाँ पे NTPC वाले ने गेट भी बंद कर दिया है कि लोग अंदर ना जा पाए। यहाँ पे इन लोगों के साथ है हम लोग, वो हमारे आगे निगाह उठाने लग लेंगे। क्या काम ही नहीं इतना कर रहा है हमारे, तो क्या निगाह उठाने लग रहा है, और निगाह उठाने लग रहे वो है, और निगाह उठाने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांग है, तो इन लोग के मांगों को पूरा किया जाए। यहाँ पे जितने मीडिया और जितने सांसद, जितने आपके चैनल वाले हैं, यहाँ क्या कहने पुलिस वाले को करो, हमें उनकी तो ड्यूटी और भेजने वाले उनकी ड्यूटी है भाई। 5 तारीख हम तार डालने गए, इन्होंने पुलिस चढ़ा दी हमारे आगे, मर जाने भी है जनानी भी, इनको क्या चार जब ये डुबक रहते नीचे गाँव बस बैठे कई घीरा हाथी क्या बैठे लीडर भाई चेहरा तो आप हमें मार के अंदर प्रशासन की तो यहाँ पे ड्यूटी है, वो ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा तो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी के बाद हम उन्हें क्या कहेंगे। और ये मीटर क्यों नहीं आते हमारे सामने, निकल के हमें जैसे हम आज खड़े तो हो तुम मांगो अपना काम करेंगे, तब ये ही ना चोर हमारे माले मारे हमें गरीब उठकर से जाएंगे अपना हक हमारा गरीब है। ये तो हमें NTPC वाले कहे हैं, आप लोगों की बातचीत हुई है उनसे, उनसे कहा वहाँ का जब NTPC धन्ना वहाँ जी का आप आते नहीं और का ये भेज देते हैं यहाँ जी का अधिकारी है, अधिकारी ने भेजे हैं हमारे पास हमारी जमीन चलेगी तो कैसे चले जाएंगे, बताने जाएंगे तो अपना हक लेके जाएंगे, हमारा हमारी जमीन गई है ना, जमीन ले ली हमारी, परेशान है सब, बड़े भी है बच्चे भी सब बच्चे पड़े हैं, बच्चे बीमार भी हो गए, अस्पताल में भर्ती रहे, हमारे थाने में भर्ती है, कपड़ा धो रहा था कारे हो गए ऊपर से, पूरा कौन झेल रहा है, NTPC बीमार है, हमारा सारा मार रही हराम को, जमीन हमारी छीन रही और हमें बीमारी दे के अब हमें परेशान कर रही है, हमारा जमीन ले रहा है, मालदार हमारे साथ के चाहिए ओ अस्पताल में और दुनिया में कहीं तक डीजल जब तक आए हैं हम रात दिन ही पड़े रहते हैं, घर नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे भी आज बहुत परेशान हैं, नहीं पहुंचा दे रहे हैं, उनको पहुंचा दे रहे हैं, यही रहनी नहीं चाहिए, देख लीजिए मोदी योगी के द्वारा NTPC मुर्दाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जय हिंद जय भारत, सामने जो किसानों का धरना प्रदर्शन है, आइए उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या धरना प्रदर्शन किए हैं, तो वहाँ पे क्या मकसद है और क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन इतने सर्दियों के मौसम में ये लोग यहाँ पे तंबू और टेंट के सामने बैठे हुए हैं, रात को भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं के मुँह से, इन्हीं के मुँह जबानी। हामीपुर से अभी खलीफा जी ने जो अपने स्पष्टीकरण दिए हैं, उसमें DM साहब ने 2 महीने के अंतराल में मीटिंग बोर्ड मीटिंग बैठाई है, बोर्ड मीटिंग में जो कार्य हुआ है साक्ष्यों के आधार पर DM साहब ने ये तय करा है कि हाँ जायज है,
हर चीज इनकी जायज है, पॉलिसी और नीतियों के आधार पर जायज है, तो फिर देने में क्या संकोच है सरकार को? सरकार किसानों का हनन कर रही है, सीधा सीधा छल रही है और किसान रोड पर पड़ा है। जय हिंद। एनटीपीसी दादरी के खिलाफ समान रोजगार और समान मुआवजे को लेकर पिछले 18 दिसंबर से लगातार दिन रात का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मातृशक्ति यहाँ दिन रात डटी हुई है। एनटीपीसी छल कपट करके किसानों को हक मार रही है, किसानों को दबाने काम कर रही है। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई पिछली बार धरना देते समय, 3 महीने का धरना उन्होंने खत्म कराया डीएम साहब ने। क्या डीएम साहब से आपकी बातचीत हुई है कभी? हाँ, डीएम साहब की कई बार बातचीत हुई है डीएम साहब से, और डीएम साहब की कमेटी ने भी किसानों के पक्ष को सही पाया है। जब सही पाया है, अब वो एनटीपीसी कहती है ये गलत है, किसान गलत हो सकते हैं, परंतु जो कमेटी गठित हुई उन्होंने किसानों के पक्ष को सही पाया है, तो फिर तो किसानों को काम करना चाहिए एनटीपीसी को। तो उसी बात को लेकर लगातार 2 साल से, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का, 26 दिन जेल चले गए। अच्छा, इसमें से मतलब जेल भी गए हैं कुछ लोग? हाँ, जेल भी जो है 26 दिन गए थे हम जेल जी। 307 जैसी धाराएं लगा दी थी इन्होंने, तो हर कीमत देने को तैयार है, परंतु बात जब हक की आती है जी, बात जब अपने बच्चों के हित की आती है, बात जब मूल की आती है, अस्तित्व की आती है, तो वहाँ मातृशक्ति बिल्कुल सीना तान कर खड़ी हो जाती है। और वही आप देख रहे हैं एनटीपीसी सेक्टर 24 नोएडा के इस ऑफिस पर। क्या आइए और भी हम इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।